का इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपने जैसा ही थंबनेल में देखा होगा कि फाउंडेशन के एक्सकावेशन कैसे करें और कितना बड़ा करें, इससे आपको क्या होगा। इसका मालूम होने से आप ज्यादा मात्रा में एक्सकावेशन नहीं करेंगे, उससे आपकी कॉस्ट बचेगी, टाइम बचेगा। और जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर का आप गड्ढा खोद रहे हैं या खुदाई कर रहे हैं फाउंडेशन के लिए, तो आपकी लेवर्स भी लगती है। लेवर्स तो लगी नहीं, आपको मशीनरी चीज़ें लगेंगी, तो मशीन का टाइम बचेगा प्लस आपका एफर्ट कम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज हम बात करते हैं कि एक्सकावेशन करने के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि जो भी ये सेंटर से डाया दिख रहा है फाउंडेशन का, चार कॉलम है यहाँ पे स्ट्रक्चर पे, एलिवेटेड वाटर टैंक के स्ट्रक्चर पे चार कॉलम है, जिसमें आप देख सकते हैं ये कॉलम के सेंटर से ये डाया दिया हमारा कितना है, 6200 है। ठीक है दोस्तों, और जो फुटिंग की साइज दी हुई है बाजू में फिटिंग की, देख सकते हैं 2200x2200 का साइज है, ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है इसमें, 2200x2200 का साइज है। और ये आउटडोर में कट कट लाइन दिख रहे होंगे, ये 100mm की पीसीसी रहती है, चारों तरफ 100mm की पीसीसी ऐड रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से हम इस गड्ढे का लेआउट करेंगे और इसमें निकालेंगे कि हमें कितना डाया का एक्सकावेशन करना है, क्योंकि हमें ऑन द ग्राउंड क्या करना पड़ेगा, इसका डाया निकाल के उस रेडियस का सर्कुलर बना के उस चूने से मार्किंग करके उस रेडियस के अंदर हमें क्या करना है, गड्ढा खोदना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ये जो डाया दिया हुआ हमारा 6200, ये 6200 तो हो गया, इसमें कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी। जैसे कि इसमें ऐड हो जाएगा क्या, आपकी रेक्टेंगुलर फुटिंग है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फुटिंग में आप देख सकते हैं ये इसका सेंटर है, यहां तक तो हमें पता है कि हमने यहां तक और यहां तक तो 6200 हो गया हमारा, इसका डाया 6200 mm है, यानी कि 6.2 मीटर इसका डाया हो गया। अब यहाँ देखेंगे 2200x2200 की फुटिंग है, तो इसमें 2200 का डायगोनल निकालेंगे इस चीज का, तो इसका डायगोनल हमारा आ जाएगा 1560 करीब आएगा। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इसलिए बता रहा हूँ कि कैलकुलेट करना कैसे है। ठीक है, तो इसका डाया निकल जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पे, तो आपका जो विकर्ण कर्ण रहेगा वो निकल के आ जाएगा आपका डायगोनल। ठीक है, डायगोनल निकल के आएगा, तो डायगोनल यहाँ भी ऐड होगा और यहाँ भी ऐड होगा, तो इस डायगोनल का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1500 कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 3120 हो जाएगा। जब इसमें 3120 ऐड हो जाएगा, 3120 ऐड हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 3100 जब ऐड हो जाएगा इसमें, कैलकुलेट करके आपको बताते जा रहा हूँ। जैसे कि 6200 प्लस आपका 3120, राइट, 3120 ही होगा ना, तो 3120 प्लस और क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 mm की आपकी पीसीसी बढ़ रही है, 100 mm की, तो ये 200 इसका डायगोनल निकालेंगे जब इसका, तो ये बहुत ही मिनिमम वैल्यू आएगी, तो 100 ऐड कर लेते हैं, तो 200 वो ऐड कर लेंगे, प्लस क्या होगा, अब ये जो गड्ढा खुद रहा है, आप ये मत सोचना कि ऊपर ऑन द ग्राउंड खुद रहा है, क्योंकि जो फाउंडेशन होती है फाउंडेशन की डेप्थ दी जाती है लगभग 3 मीटर, मिनिमम 3 मीटर इस टाइप के स्ट्रक्चर की डेप्थ गहराई दी जाती है, तो आपकी गहराई क्या रहेगी, 3 मीटर की, तो 3 मीटर इसको जब खोदेंगे तो इस स्ट्रक्चर में क्या स्लोप टाइप स्ट्रक्चर खोदना पड़ेगा, क्योंकि जब सॉइल जो रहेगी, यदि कि अच्छी सॉइल है, हार्ड सॉइल है, तो वो तो आप सीधे भी खोद सकते हैं तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको स्लोप में खोदना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 200 दोनों साइड और ऐड कर लीजिए, तो आप ये मान के चलिए कि 400 mm और बढ़ा लें, तो इस हिसाब से आपका हो गया टोटल 9920, यानी कि 9920 आपका डाया हो गया पूरा स्ट्रक्चर का, यहां से लेके पूरा आपका ये जो आपका डाया हो गया, ये सर्कुलर में है, ये रेक्टेंगुलर में बना दिया, आप इसको सर्कुलर में एज्यूम करें, तो सर्कुलर में आपका ये डाया हो गया ये। अब इसमें आप डिवाइड कर देंगे कितने से, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो रेडियस आएगा 4.96 आपका रेडियस आएगा, यानी कि 5 मीटर की रेडियस लेकर आप सेंटर ये मानिए
5 मीटर की रेडियस लेकर यहाँ से पूरा सर्कुलर गोला मार दीजिए और इसमें चूना कर दीजिए और आप इसका लेआउट कर सकते हैं या इसका एक्सकवेशन कर सकते हैं। इसकी जो भी क्वांटिटी आएगी वॉल्यूम है, इस क्वांटिटी को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है इसकी डेप्थ और डायमीटर से। जब इसका एरिया निकालेंगे, इस चीज़ का एरिया और जब हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। अब आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे और मैंने इस चीज़ से बताया कि ये सॉइल को कैसे कटिंग करेंगे, सॉइल की कटिंग करने के लिए। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बताना कि वीडियो कैसी लगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में फाउंडेशन की डिटेल बताऊंगा आपको, फाउंडेशन कैसे करते हैं और इसका फाउंडेशन जब गड्ढे के अंदर हो जाएगा तो इस चीज़ का लेआउट के लिए क्या प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।